एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में फुल पैशन प्रो फ्यूल टैंक पेंट करने वाले हैं। फ्यूल टैंक इसके पहले कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। और फ्यूल टैंक पेंट करने से पहले इसका सबसे ज़रूरी होता है काम स्टिकर रिमूव करना। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में जानेंगे कि स्टिकर कितने रुपये का आया और फुल टैंक की प्रोसेस कितने दिन में हुई और कौन कौन से कलर लगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप 80 नंबर पेपर लेकर उसे सेंडिंग करने का प्रोसेस होता है। पूरी बॉडी में अच्छे से सेंडिंग होने के बाद अंदर बाहर अच्छे से इसकी वॉशिंग की जाती है ताकि कहीं भी डस्ट ना रहे। सेंडिंग होने के बाद इसमें बॉडी फिलर मटेरियल भरने का प्रोसेस कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो अभी नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ, मेरे गुरुजी कहीं काम से गए हैं। तो बॉडी फिलर मटेरियल अप्लाई होने के बाद इसे 150 नंबर पेपर से सेंडिंग किया जाता है। सेंडिंग होने के बाद ये सर प्रेशर मारने का प्रोसेस हो रहा है जो कि फुल वीडियो में मैं नहीं ले पाया। सर प्रेशर अप्लाई हो जाने के बाद इसे अच्छी तरीके से सेंडिंग किया जाता है ताकि लास्ट में पेंट एकदम स्मूथ और फिनिशिंग आए। सेंडिंग होने के बाद ब्लैक पेंट मारने का प्रोसेस देखेंगे। ब्लैक पेंट अप्लाई होने के बाद स्टिकर लगाने का प्रोसेस होता है। स्टिकर लगने के बाद क्लियर कोट का प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से होता है। क्लियर कोट अप्लाई होने के बाद लास्ट शॉट बहुत अमेजिंग आया है। चलिए लास्ट शॉट देखते हैं। फुल टैंक पेंटिंग एक दिन में कंप्लीट हुई है। स्टिकर की प्राइस है 800 रुपये। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।